दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ के ऐतिहासिक बाजार में और यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के स्टार प्रचारक के रूप में दिन रात पसीना बहाते नफे सिंह राठी बड़ी भारी भीड़ के साथ यहां पर मौजूद हैं। आज उन्होंने कौन सा बड़ा धमाका किया है, क्या भाजपा का कोई एक और विकेट गिराने का काम किया है? लगातार कई दिनों से बेहतरीन फील्डिंग के दम पर नफे सिंह राठी विपक्षियों के विकेट गिराते नजर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राठी साहब आपका। थैंक यू। तो आज की क्या ब्रेकिंग देने जा रहे हैं? ब्रेकिंग ये है कि मोनिका राठी 80% वोट अकेली प्राप्त करने जा रही है, 20% में सब रह जाएंगे, एक तरफा पोलिंग होगी। उसका कारण ये है कि बहादुरगढ़ के लोगों को ये एहसास है कि किस तरह से इस पिछले प्लान में गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन करके बहादुरगढ़ को लूटने का काम किया। समस्याएं हैं, चाहे वो किसी की भी हो। ये चुनाव कोई पार्टीबाजी का इलेक्शन नहीं है, एक साधारण लोकल चुनाव जो बोलते हैं भाईचारे वाला इलेक्शन है। ये ठीक है कि भाई बीजेपी ने भी कहा था हम सिंबल पर लड़ेंगे, हमने भी कहा था सिंबल पर लड़ेंगे, कांग्रेस ने भी कहा था सिंबल पर लड़ेंगे, कांग्रेस बैक कर गई। तो चलो सिंबल तो निर्दलीय के तौर पर मिला, चाहे कुछ ही मिला, बात ये नहीं है। बात तो ये है कि भाई इस पिछले 5-6 साल बल्कि उससे पिछले प्लान में भी रवि खत्री जब चेयरमैन था, जब भी करोड़ों के घोटाले हुए थे नक्शों के, और उस टाइम का जो वाइस चेयरमैन था उसने जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी, कई महीने जेल में रहा था वो, और उस टाइम रवि खत्री चेयरमैन था, दोनों मिलकर किया करते सारे। ये जो पिछली प्लान गई 2016 से लेकर के 21 तक, इस प्लान में तो इंतहा होगी भ्रष्टाचार की। बहादुरगढ़ के लोगों ने ये महसूस किया कि भाई ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिनका कोई शर्म ही नहीं है, जिनका कोई लिहाज नहीं है, केवल पैसे के लिए ही राजनीति करते हैं, समाज सेवा के लिए नहीं करते, उनको शर्म ही नहीं है। आप ताजुब करोगे, बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री आए थे 2 साल पहले, इस रोड शो किया था, उन्होंने कहा था 2300 करोड़ रुपये हमने विकास के लिए दिया है, 400 करोड़ के करीब 5 साल में नगर परिषद की आमदनी आई है, इससे ज़्यादा ही आई होगी, 2700 करोड़ रुपये में से हम उनको ये कहते हैं कि भाई तुम 2000 करोड़ की बात छोड़ दो, 700 करोड़ का हिसाब दे दो, कहाँ लगा दिया नहीं बताएंगे। बेरहमी से लूटे है, नकली टेंडर करके मौके बन नहीं रही सड़कें गलियाँ, टेंडर करके खा गए, पुरानी सड़कों को दिखा दिया, पुराने नालों को दिखा दिया। हालत ये है कि हमारे टाइम पर जो सड़कें बनी थी वो 22 साल हो गए टूटी नहीं, इनके द्वारा बनाए गए रोड 2 साल नहीं चलते, इसका क्या कारण है? लोगों की समझ में आ गया और लोगों के दिमाग में ये बैठेगी कि इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है तो फिर नफे सिंह राठी को मजबूत करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति दिलानी है तो फिर आज बहादुरगढ़ के लोग केवल और केवल इस भ्रष्टाचार से दुखी और परेशान है। कारण यह है कि डेवलपमेंट के काम नहीं होते, सफाई तक ये व्यवस्था नहीं करा पाई, पीने के पानी की दिक्कत है, कहीं सीवरेज की दिक्कत है, कहीं नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी। चलिए नफे सिंह राठी जी, माफ करिए बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, अक्सर आपके संबोधन में हमें ये देखने को मिल रहा है, अक्सर आप ये आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आपके इन आरोपों के जवाब के बजाय विपक्षी कुछ अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नफे सिंह राठी जी जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उसके बारे में किसी विपक्षी ने कोई शब्द बोला हो? हिम्मत नहीं है बोलने की, पंचर नहीं कईयों की ट्यूब फटी पड़ी है। हम जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते वो? लेकिन वो तो और ही कुछ बयानबाजी, वो जो बयान सब देखो, माँ का दूध तो सब ने पिया है, माँ बहन बेटी सबकी बराबर है, हम उस पर नहीं जाना चाहते और उनको भी नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है विकास के दुश्मनों से, भ्रष्ट लोगों से, जिन लोगों ने डेवलपमेंट का पैसा अपनी जेब में डालने का काम किया। हम आरोप लगा रहे हैं खुलम खुला, वे उसका जवाब देते नहीं, अनर्गल बयान करते हैं, भटकाने का प्रयास है और बौखला के बिल्कुल बौखलाए पड़े हैं बेचारे। तो भगवान अब मौका देगा 19 तारीख को जनता को, सरकार ने तो चुनाव कराने के लिए कोई प्रयास किए नहीं है, तो कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं। सरकार चुनाव चाहती तो 1.25 साल पहले चुनाव हो जाते, पंचायतों के चुनाव 1.5 साल हो गए, क्यों नहीं करा रही सरकार? केवल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के कहीं भी कोई भी संस्था है, आप रोहतक में चले जाओ, चाहे वैश्य एजुकेशन संस्था है, चाहे जाट एजुकेशन संस्था है, चाहे विश्वकर्मा एजुकेशन संस्था है, चाहे धर्मशालाएँ हैं जितनी भी हैं, किसी का भी चुनाव ये नहीं करा रहे। अग्रवाल धर्मशाला का भी शायद नहीं हुआ है, अगर सिंह धर्मशाला का नहीं हुआ, छोटू राम धर्मशाला का नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा करके और लूट मचाने पर इनका ध्यान है। सरकार सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है, क्या हालत कर दी बहादुरगढ़ की आपने देखा है?
जो सड़कें हमने बनवाई थी, चाहे रेलवे रोड हुआ, चाहे मरोठी बाजार का रोड हुआ, चाहे मेन बाजार का रोड हुआ, चाहे कबड्डी बाजार का रोड हुआ, सारी सड़कें हमने बनवाई थी, नजफगढ़ रोड हुआ, तोड़ के फेंक दी पापियों ने, तोड़ के फेंक दी। आप बाजार में जा, मेन बाजार में जाके देखो क्या हालत है। हम परसों गए थे, बुरी हालत है, मतलब पैदल भी नहीं चल सकते जी वहाँ तो। हाँ जी, अभी भी गंदे नाले कती फुल तिरन लग रहे हैं, मतलब बुरी हालत है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब तो चुनाव चल रहा है, कम से कम सरकार को ये चाहिए कि भी अब तो लोगों की सुविधाएं दे दो, लेकिन नहीं। इस भादरौड़ की जनता को पता है कि नभे सिंह राठी 2 बार चेयरमैन रहा है और दोनों ही बार सरकार के चेयरमैन को हटा के बनाया है, और हटा के बनने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी हमने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कराया था। भादरौड़ में पीने के पानी की समस्या हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा थी। जब मैं पहली दफ़ा चेयरमैन बना तो हमने समस्या का निदान करना शुरू किया, दूसरी बार चेयरमैन बना तो हमने मैक्सिमम समस्याएं दूर करी, और भादरौड़ में सीमेंटेड गलियां सड़कें बनाने का काम अगर किसी ने शुरू किया तो हमारे टाइम पे शुरू हुआ, उससे पहले एक भी नहीं थी, करंजा था या टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, डेवलपमेंट नहीं थी। और अब इस सरकार के टाइम पर मैं ये कहता हूँ भाई, हमने अपनी जब सरकार थी तो भादरौड़ पीने के पानी के लिए एक स्पेशल नहर लेकर के आए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी दिक्कत ना आए। गुड़गांव कैनाल निकलती है आसोदा मोड़ से, आगे से नहर निकलती है ना एक बहुत बड़ी, गुड़गांव जाती है, उसको गुड़गांव कैनाल बोलते हैं। उसमें से एक स्पेशल नहर लेकर के आए जिसका नाम है भादरौड़ ब्रांच, वो केवल पीने के पानी के लिए ले आए थे, पीने के पानी के लिए ले आई गई, और उसमें कोई मौका नहीं है पासी का खेतों में जाने का, सिर्फ 2 मोगे हैं, 2 मोरी हैं, एक सेक्टर के वाटर वर्क्स में खुलती है और एक शहर के वाटर वर्क्स में खुलती है। हमने अपने टाइम पे एक बहुत बढ़िया फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया था जो पानी स्वच्छ करके पीने के लिए भेजता है, वो बनाया, तो उसकी उसको चालू करने के बाद भादरौड़ के लोगों को बिस्लेरी से अच्छा पानी मिला करता, लेकिन 3 साल के बाद उसकी सर्विस होनी होती है। ताजुब करोगे, पूछो तो सही इनसे ये करते क्या रहे, 17 साल हो गए उसकी सर्विस नहीं हुई अभी तक, इसलिए लोग गंदा पानी पर पीने पर मजबूर हैं, लोगों के पेट में तकलीफें होती हैं, दर्द होते हैं, बीमार होते हैं लोग। इनका ध्यान ही नहीं है डेवलपमेंट में, इनका विकास में ध्यान नहीं, लूटने में ध्यान है। कांग्रेस की चेयरपर्सन थी दीपेंद्र हुड्डा जी बना के गए थे, दीपेंद्र जी ने सोचा था भाई कांग्रेस की छवि निखारेगी, दीपेंद्र हुड्डा रो तक जज्जर में कहीं से आ रहा तो भादरौड़ से आ रहा है, क्योंकि इस किस्म के खोटे कर्म किए। कांग्रेस की चेयरपर्सन बीजेपी का MLA दोनों लूट के खा गए, हम चलाते रहे और तो कोई बोलता नहीं भादरौड़ में, हमें बोले इनके खिलाफ, हम बोले तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ, ही फिर बदनाम करने की कोशिश करे हैं, लेकिन मुकदमों से हम डरते नहीं हैं, लोगों की आवाज़ उठाना हमारा धर्म है। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे कि अगर सत्ता में रहो तो कलम से भला करो, सत्ता से बाहर रहो तो लोगों की लड़ाई लड़ो, हकों की आवाज़ उठाओ, डरना नहीं है। चलिए, इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लोगों के हकों की लड़ी जा रही है, लड़ाई कितनी कारगर साबित होगी ये 19 तारीख को भादरौड़ की जनता ने तय करना है। लेकिन एक बात खास है, अक्सर नफे सिंह राठी जी द्वारा मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से या इनेलो के मंच के माध्यम से जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, एक पर भी अभी तक विपक्षियों का कोई जवाब या सफाई नहीं आई है। ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, भादरौड़ नगर परिषद की आम जनता के लिए ये बड़ा प्रश्न है। जब एक जी एक बात और कहना चाहूँगा, भादरौड़ में 36,000 मकान है जो ड्रोन से सर्वे करवाया है, रिकॉर्डेड बात है जी। इन्होंने 38,000 लाइटें खरीदी स्ट्रीट लाइट, अगर एक घर के सामने एक लाइट लगे तो 2,000 एक्स्ट्रा बच गई ना। आप ताज्जुब करोगे, जज्जर नगर परिषद ने लाइट खरीदी, मैंने जज्जर नगर परिषद के अधिकारियों से पूछा, वो हमारे टाइम का लगाया हुआ था, मैंने उसे पूछा कि भाई कितने की पड़ी है ये लाइट, उसी कंपनी की उतने ही बाट के, उसने कहा 2700 रुपये की पड़ी है। वो अधिकारी हमारे टाइम का था, वो कहने लगा जी मेरा नाम ना लियो, मगर नहीं लूँगा नाम, कहने मगर पड़ी कितने की है, मैं 2 बार चेयरमैन रहा हूँ मुझे पता है ना, बिल होगा ना 2700 का, बोला हाँ जी बिल 2700 का है, मगर पड़ी बोला जी पड़ी 1800 की है, मैं कह 900 रुपये कहाँ से ले गए पर लाइट, कहने जी कुछ चेयरमैन खा गया, कुछ कैसे थे पार्षद खा गए, कुछ 10 रुपये हमारे बाटा में आ गए, मैं कहा चलो ठीक है। 1800 वाली लाइट भादरौड़ में 5,000 से खरीदनी शुरू हुई, 5,700 रुपये तक खरीदी। हम बार बार चिल्ला चला करके कह रहे, अगर हिम्मत होती इसकी सफाई क्यों नहीं देते वो लोग, 38,000 लाइट खरीदी है, हमने उनकी कंप्लेंट कर रखी 2 साल हो गए, इंक्वायरी धीमी रफ्तार से चल रही है ताकि चुनाव हो जाए उसके बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट, क्या सिस्टम है सरकार का समझ में नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं। चलिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम है भादरौड़ वासियों के लिए, भादरौड़ वासियों के लिए एक अवसर है, क्या वो भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे, क्या वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट करेंगे, क्या
जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे लाइट से, बिजली से, सिविर से, स्ट्रीट लाइट से, जितने भी आरोप हैं, क्या उन पर बहादुरगढ़ की जनता मुखर होगी? नीरज जी बीजेपी के पदाधिकारी थे, वर्कर कार्यकर्ता थे, ये बीजेपी छोड़ करके हमारे साथ जुड़े हैं और उसका कारण भी भ्रष्टाचार है कि डेवलपमेंट के काम हुए नहीं और इन्हें पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ गए। ये मतलब लोगों की लड़ाई, जो लोगों का संघर्ष है उसके लिए हमारे साथ आए, हम इनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। एक और भ्रष्टाचार को उदाहरण देता हूँ आपको, 40 करोड़ से ज़्यादा का सफाई का खर्चा है हर साल का बहादुरगढ़ नगर परिषद का, और वो सफाई का खर्चा सरकार नहीं देती है, लोगों के बिलों में आता है जुड़ के, प्रॉपर्टी टैक्स में, संपत्ति कर में आता है, जो 1440 रुपये आता है, कहीं किसी के 1440, किसी के ज़्यादा भी 80-80 हज़ार के बिल भारी हैं, तो वो हमने देना पड़ा है। हमारी जेब से गया हुआ पैसा अगर डेवलपमेंट के काम में नहीं लगेगा तो दर्द आओगा कि नहीं आओगा? आओगा ना। सफाई की बुरी हालत आप देखो, आप सब्जी मंडी चले जाओ, अनाज मंडी चले जाओ, क्या हालत हो रही है। मैं यूँ कहूँ कि भाई ये क्या पता नहीं क्या सोच के ये लोग राजनीति करते हैं, इनको तो केवल पैसा कमाना है, कोई मरो चाहे जियो। 40 करोड़ से ज़्यादा का है हर महीने, 5 साल सरकार इनकी रही, 200 करोड़ रुपये, उसमें से इन्होंने मुश्किल से 50 करोड़ रुपये लगाए होंगे। ये अपनी आप ताजुब करोगे कि 40 करोड़ से ज़्यादा का एक महीने का बिल 3.5 करोड़ का लगभग, और उसके बाद हर डे मतलब पर डे का अगर खर्चा निकालोगे आप तो ठेकेदारी प्रथा है, जिस दिन वो सफाई करेंगे उसी दिन का उसको दिहाड़ी मिलेगी। 11-5 दिन की छुट्टी भी हो जाती है, 4-5 तो इतवार आ जाए हैं, किसी महीने में 4 किसी में 5, फिर गश्त की छुट्टी भी होती है सरकारी, तो होली की, धुलंडी की, शहीदी दिवस पर बहुत छुट्टियाँ होती, अगर उनको निकाल दोगे तो 24-23 दिन पर मंथ का आ गया रेशो निकले, एवरेज निकलेगी। आप 22-23-24 दिन को गुणा करो, भाग दो 3.5 करोड़ रुपये, 11.5-12 लाख रुपए के बीच में शायद पर डे का खर्चा आएगा, एक दिन का खर्चा। हमारे टाइम पे 11.5-12 लाख रुपए एक साल का खर्चा था, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन इनके जेब में चले जाते हैं सारे पैसे, कोई सुनने वाला नहीं, आवाज़ उठाता है तो नफे सिंह उठाता है और कोई उठाता नहीं है। तो अब लोगों ने मन बना लिया कि भाई मजबूत आदमी को सत्ता देनी पड़ेगी, नहीं तो लुटेरे फिर खा जाएंगे। ये जो दो उम्मीदवार, एक तो बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहा है, वो चलो मैं उस लेडीज़ के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जिन उनके जो जिनकी पुत्रवधु है करमवीर जी, वो पहले हमारी पार्टी में हुआ करते थे, मैंने पार्षद बनाया था, मैंने चेयरमैन बनाया था, और ये रवि खत्री इससे पहले चेयरमैन था। ये इस किस्म के लोग जो केवल पैसा कमाने के लिए ही राजनीति करते, अब रवि खत्री है, रवि खत्री के पास काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के गए वार्ड नंबर 5 के, उन्होंने कहा भाई तेरे को 2 बार बना लिया, तू अब की बार रहने दे, हम सीमा दलाल को बनाओगे। कहने लगा कैसे छोड़ दूँ, मेरा तो पेशा है ये राजनीति, मेरा बिजनेस है, मैं कैसे। जो आदमी समाज सेवा का ढकोसला करे और फिर बिजनेस करे इस मामले में, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कैसे लोग हैं, किस सोच के लोग हैं। इसलिए इन भ्रष्ट लोगों को हराने का मन बना लिया जनता ने, बात पार्टीबाजी की नहीं है, बाट इन लोग कांग्रेस बीजेपी भी नहीं है, हमारे साथ कांग्रेस के बीजेपी के भी काफ़ी संख्या में वोटर जिन्होंने कभी नफे सिंह को वोट नहीं दी, वो लोग भी ये महसूस करके हमारे साथ जुड़ गए कि इस भ्रष्ट तंत्र से अगर कोई मुक्ति दिला सके तो नफे सिंह दिला सके। हम उनका स्वागत करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा समर्थन दिया। चलिए मैं नीरज जी से जानना चाहूँगा, जी नीरज भाई, NLO का पटका आपने पहन लिया है, आज नफे सिंह राठी ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं इनके साथ आया हूं और हमेशा इनके साथ ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद, ठीक।